देखो, जब कोई कहता है ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सही कहता है। आजकल ब्रांड कोलैबोरेशंस काफी ट्रेंड में है। बहुत सिंपल सा कोलैबोरेशन होता है, आप ब्रांड प्रमोट करते हो और आपको उसके बदले में ब्रांड से पैसा मिलता है। और इस कोलैबोरेशन में बेटिंग एप्स काफी लाख और इवन करोड़ खर्च करती है टू गेट देयर प्लेटफॉर्म प्रमोटेड। और ऐसे ही कोलैबोरेशन का अलेजेडली तमिल और बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने भी प्रमोशन किया है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने तमन्ना भाटिया को आईपीएल 2023 के इलीगल स्ट्रीमिंग ऑन द फेयर प्ले ऐप के मामले में पूछताछ के लिए हाल ही में बुलाने का ऑर्डर दिया है। इस इलीगल स्ट्रीमिंग की वजह से वायकॉम कंपनी, जो जियो सिनेमा को ओन करती है, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है ड्यू टू तमन्नाज प्रमोशनल एक्टिविटी। क्या है पूरा मामला, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रशा और आप देख रहे हैं अनकट। तो देखो, अगर एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो आईपीएल स्ट्रीम करने के राइट्स इस वक्त जियो सिनेमा के पास हैं एंड द जियो सिनेमा ऐप इज ओन्ड बाय वायकॉम। अब अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिपोर्ट्स, तमन्ना भाटिया पर अलेजेडली आईपीएल स्ट्रीम करने और बेटिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का आरोप लगाया गया है। इसी सिलसिले में इस तमिल और बॉलीवुड एक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए महाराष्ट्र के साइबर एजेंसी के आगे अपने डिफेंस में अपनी स्टेटमेंट देनी होगी ऑन 29 अप्रैल। एंड टर्न्स आउट कि तमन्ना भाटिया इस केस में ऐसी अकेली सेलिब्रिटी नहीं है टू बी इन्वॉल्व। इनके साथ साथ कई बॉलीवुड एक्टर्स भी इस फेयर प्ले बेटिंग ऐप की प्रमोशंस के लिए गिल्टी हैं। और उन्हीं में से एक नाम है ऑफ संजय दत्त। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में 23 अप्रैल को आने के लिए कहा था, मगर उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि उस टाइमलाइन में वो भारत में प्रेजेंट नहीं थे। फिलहाल संजय दत्त ने महाराष्ट्र साइबर से थोड़ा और वक्त मांगा है टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी 28 मार्च 2024 को वायकॉम 18 को एक सिग्निफिकेंट लीगल विन दी थी, जिसमें उनके मीडिया प्लेटफॉर्म को एक डायनामिक इंजंक्शन मिला था जो कई वेबसाइट्स को भारतीय प्राथमिक लीग विच इज आईपीएल को फ्री में मैचेस स्ट्रीम करने से प्रोहिबिट करता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने इनफैक्ट अपने स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया है कि कैसे अगर आईपीएल इवेंट्स के दौरान और भी कोई वेबसाइट पता चलती हैं जो गैर कानूनी तरीकों से आईपीएल मैचेस का कंटेंट स्ट्रीम कर रही है जिस पर प्लेंटिफ के राइट्स हैं, तो प्लेंटिफ को डीओटी और एमआईटीवाई को ऐसी वेबसाइट्स के बारे में इन्फॉर्म करने का फुल लीगल राइट है टू इनिशिएट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, जिसके साथ आईएसपीज को भी उन वेबसाइट से ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि इन वेबसाइट्स को रियल टाइम में ब्लॉक किया जा सके विदाउट एनी डिलेज। तमन्ना भाटिया और संजय दत्त ने अलेजेडली महादेव बेटिंग ऐप के सब्सिडियरी ऐप फेयर प्ले का प्रमोशन किया है एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 20 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी इस इलीगल एक्टिविटी का पार्ट रह चुके हैं एंड उन्हें भी इस केस में महाराष्ट्र साइबर को अपनी स्टेटमेंट्स देनी होंगी। सितंबर 2023 में वायकॉम 18 ने एक एफआईआर फाइल की थी इन कोर्ट, जिसमें उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि कैसे फेयर प्ले जैसे बेटिंग ऐप्स इलीगल तरीकों से आईपीएल मैचेस स्ट्रीम करते हैं। इसकी वजह से वायकॉम 18 को 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हो चुका है। इस एफआईआर के बाद रैपर बादशाह, एक्टर संजय दत्त, जैकलिन फर्नांडिस और तमन्ना भाटिया जैसे कई बड़े स्टार्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तमन्ना भाटिया ने फेयर प्ले बेटिंग ऐप को प्रमोट किया था, इसलिए उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया गया है ऑन 29 अप्रैल। साइबर पुलिस तमन्ना भाटिया से ये समझना चाहती हैं कि फेयर प्ले ऐप के प्रमोशन के लिए आखिर उन्हें किसने कांटेक्ट किया था, कैसे कांटेक्ट किया था और उन्हें इस ऐड के डील के लिए कितना पैसा मिला था। वायकॉम ने अपनी प्ले में ये भी क्लेम किया था कि कैसे फेयर प्ले ने टाटा आईपीएल 2023 को गैर कानूनी तरीकों से स्ट्रीम किया है और इस वजह से उन्हें 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक इस स्टेटमेंट में रैपर बादशाह का स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इस प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए फेयर प्ले बेटिंग ऐप ने अलग अलग कंपनीज के अकाउंट से आर्टिस्ट को पे किया है। संजय दत्त वॉज पेड बाय अ कंपनी जिसका नाम प्ले वेंचर के नाम से है। वहीं ऑन द अदर हैंड रैपर बादशाह को दुबई की एक कंपनी ने पेमेंट की है जिसका नाम लाइकॉस ग्रुप FZF है। जैकलिन फर्नांडिस को भी दुबई में बेस्ड जनरल ट्रेडिंग LLC कंपनी के अकाउंट से पैसे मिलते हैं। फेयर प्ले के अलावा देयर इज वन मोर ऐप जिसे महाराष्ट्र साइबर ने अपनी FIR में इंक्लूड किया है और वो नाम है पीका शो। जब इस एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई तो पता चला कि इस एप्लीकेशन से जो पैसा गूगल एडेंस से मिल रहा है वो पाकिस्तान जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गूगल, पीका शो की इस ऐप पर सभी न्यूली रिलीज फिल्म्स और वेब सीरीज की फेक कॉपीज अवेलेबल हैं।
इस एप्लीकेशन के क्रिएटर शीशाराम को 14 जनवरी 2023 में अरेस्ट भी किया गया था फॉर कॉपीराइट वायलेशन कंप्लेंट बाय स्टार इंडिया. अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिस ऐप टिल डेट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. और अगर टेंटेटिवली देखा जाए तो इस ऐप का जो क्रिएटर है पर मंथ 5 से 6 करोड़ रुपए कमा रहा है और कहीं ना कहीं इस ऐप का लिंक फेयर प्ले ऐप के प्रमोशनल एक्टिविटीज करने वाले सेलेब से भी माना जा रहा है. अभी तक महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट से इस केस पे कोई भी अपडेट नहीं आया है. वहीं दूसरी तरफ तमन्ना भाटिया ने भी अपना कोई भी बयान इस केस से जुड़ा हुआ नहीं दिया है. आपको क्या लगता है, क्या ये बेटिंग एप्स की कहानी सच है? इफ यस देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. साथ ही अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एंटरटेनमेंट से जुड़े अपडेट्स आपकी फीड पे आते रहें देन यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट.